हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 9 ऑफ इंग्लिश एंड द चैप्टर नेम इज़ डेजीज हेयर. दिस इज़ अ पोएम एंड इट्स नेम इज़ डेजीज ऑन पेज नंबर 44. लेट अस रीड. चलिए हम पढ़ते हैं. पहले आपको इसमें पोएम के बारे में बताएंगे. डेजी, डेजी एक फ्लावर होता है. फ्लावर्स तो आपने बहुत सारे देखे हैं, रोज, ट्यूलिप, सनफ्लावर, फ्लावर एक्सेट्रा. इसी टाइप से एक डेजी फ्लावर होता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है. चलिए हम आपको रीड करके इस पोएम को दिखा रहे हैं और आप इसे ध्यान से सुनिए केयरफुली और इसको इसके बाद आप इसको रीड करके देखिएगा. ओके, यस, लेट अस रीड. Pretty. And spelling of pretty is PRETTY, pretty. Pretty means sundar, pyara. Bright. Second word is bright hair. BRIGHT, bright. Bright means chamkta, chamkila. Third word is petals. PETALS, petals, जो फ्लावर्स की पत्तियाँ होती हैं उसको हम petals बोलते हैं. Shiny, 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 चमकीली. Next word is leaves, LEAVES, leaves. Leaves means जो पत्तियाँ होती हैं green color की, से बोलते हैं लीव्स. नेक्स्ट वर्ड इज समर एंड द स्पेलिंग ऑफ समर इज SUMMER, समर. समर मीन्स गर्मी. शावर्स, नेक्स्ट वर्ड इज शावर्स, SHOWERS, शावर्स. जब गर्मी में बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उसे हम शावर्स बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज लास्ट डस्टी. द स्पेलिंग ऑफ डस्टी इज DUSTY, डस्टी. डस्टी मीन्स जब उस पर धूल जम जाती है प्लांट्स पर या फ्लावर्स पर, उसके बारिश होती है और रेनिंग होती है तो वो सब धुल जाती हैं. जो डस्ट होती है वो क्लियर हो जाती है, उन पर जो मिट्टी जमा होती है उसको हम डस्टी बोलते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. Daisies pretty and so bright with many petals very white. यहाँ बोल रहे हैं daisies pretty, जो daisy flower होता है वो बड़ा pretty होता है, बड़ा ही प्यार होता है, सुंदर होता है. And so bright, और जो बहुत ही bright होता है, चमकदार होता है. With many petals, उसकी बहुत सारी, देखिए यहाँ पर flower है, बीच में इसकी पत्तियाँ हैं छोटी छोटी white colors की round shape में, वो पेटल्स हैं वेरी वाइट, वाइट कलर की होती हैं वो, सफ़ेद रंग की. देयर शाइनी लीव्स आर ब्राइट ग्रीन, और जो उनके शाइनी लीव्स होती हैं ग्रीन कलर की, इसमें आपको लीव्स दिख रही हैं वो ब्राइट ग्रीन हैं. शाइनी लीव्स हैं, चमकीली हैं और ब्राइट ग्रीन, चमकदार हैं वो. गॉड कीप्स देम एवर सो क्लीन, जो भगवान जी उनको हमेशा साफ रखते हैं. समर शावर्स वॉश डस्टी फ्लावर्स, द समर रेन मेक ऑल क्लीन अगेन. तो समर शावर्स होते हैं, समर शावर्स में जब बारिश में, जब गर्मी में बारिश होती है उसकी जो बूंदें गिरती हैं शावर्स उन्हें बोला जाता है. वॉश डस्टी फ्लावर्स, तो वो उनको फ्लावर्स के जो डस्ट होती है उनके ऊपर उनको धो देती है. जो डस्टी हो जाते हैं फ्लावर्स, उन पर मिट्टी जमा हो जाती है, उनको धो देती है जब बारिश होती है गर्मी में. द समर रेन मेक्स ऑल क्लीन अगेन, जो समर की रेन होती है वो दोबारा से उसको क्लीन कर देती है सबको, फ्लावर्स को, और वो सुंदर बन जाते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं. इसमें आपको एक फ्लावर के बारे में बताया गया है, डेजी फ्लावर है जो बहुत ही प्रीटी है, प्यारा है,
उसकी बहुत सारी पेटल्स हैं, वाइट कलर की हैं, और जो उसकी लीव्स हैं वो शाइनी हैं और ब्राइट हैं ग्रीन कलर में। गॉड कीप्स देम इवन सो क्लीन, भगवान जी उनको बहुत ही साफ रखते हैं। जब गर्मी की बारिश आती है उनकी जो बूंदें गिरती हैं, जो फ्लावर्स पे डस्ट होती है उनको वो धो देते हैं, जो बारिश की बूंदें होती हैं। द समर रेन मेक्स ऑल क्लीन अगेन, और जो समर की रेन रहती है, गर्मियों की बारिश होती है, उनको दोबारा से क्लीन कर देती है, उन सबको, फ्लावर्स को। इसको इसमें आपको पूरा डेजी फ्लावर के बारे में बताया और रेन के बारे में बताया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। सो रीड दिस पोएम। ओके, हैव अ नाइस डे।